झूठे सब अफसाने, अपने सब बेगाने, होगा क्या आगे खुदा जानता। तुम भी जाग रही थी, मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने आइसक्रीम ऑर्डर कर दी। दोनों बाप बेटी मिलके खाएंगे हैं? इसकी क्या जरूरत थी? तुम्हें याद है जब तुम छोटी सी थी और जब तुम पास होती थी या कोई और खुशी का मौका होता था तो मैं हमेशा आइसक्रीम ही खानी होती थी। मुझे तुम्हारे फेवरेट फ्लेवर्स भी याद थे, वैनिला। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, आपको मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा मजनू हूँ बेटा। जिस शख्स ने तुम्हें फराज के साथ बदनाम किया वो भी मेरा दुश्मन था। तुम बहुत सर्फ वाली हो, तुमने कभी उस बात के लिए मुझे कोई ताना नहीं दिया। आरिफ के मामले में मुझे माफ कर दो। हो ऐसे मत कहें और इन बातों को छोड़े, चलें आइसक्रीम खाएं वरना पिघल जाएगी। अच्छा सुनो, वो फराज का फोन आया था, तुमसे मिलने की इजाजत मांग रहा था। मैंने कहा तुमसे बात कर ले, मिलना चाहो तो मिल लेना, और अगर ना भी मिलना चाहो तो मुझे कोई इतराज नहीं है, मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा, तुम्हारी मर्जी है। ये क्या भाई, मेरे बगैर आप दोनों आइसक्रीम खा रहे हैं? ये नहीं हो सकता। आज भाई आज मुझे कौन सा फ्लेवर लाए? वैनिला फेवरेट, मगर मुझे चॉकलेट पसंद है। अब अभी तो सो गई है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अब वो मुझे चॉकलेट ला के दे। अरे खाओ ना खाओ मेरा बच्चा, ये लो खाना। नहीं आप खाना पड़ेगा। आपको मुझसे मिलना था, उसके लिए इन फूलों की जरूरत नहीं थी। जरूरत तो थी। क्यों, कांटों भरे रिश्ते में आखिर में फूल दे दिए जाए तो क्या वो फूल जैसा हो जाता है? देखो मैं यहां तुमसे लड़ने नहीं आया। अगर हम एक दूसरे को अपने माजी के ताने देते रहेंगे तो मुस्तकबिल के बारे में कैसे बात होगी? I'm sorry. आप कहें आपको जो कहना है। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ घर चलो। क्यों? क्योंकि उस घर को तुम्हारी जरूरत है।
और आपको? मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। मुझे तुमसे मोहब्बत है। आपके साथ रहते रहते मुझे भी आपसे मोहब्बत हो गई थी। लेकिन अब नहीं है। और जब नहीं है तो आपके साथ क्यों जाऊं? बहुत रिवायती और दोहराई हुई बात है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई भी। हमारा रिश्ता हमने नहीं बनाया था, ना तुमने ना मैंने। हजारों मुश्किलें आए, मुसीबतें आई, साजिशें भी, लेकिन ये रिश्ता नहीं टूटा। समीर, कोई था जो इस जबरदस्ती बनाए हुए रिश्ते की हिफाजत कर रहा था, और शायद इसी यकीन से तुम मेरी जिंदगी में आई थी। लेकिन मैंने तुम्हारे साथ बहुत बदसलूकी की, तुम्हारे सारे यकीन टूट गए, और अब जब मुझे यकीन आ गया, सब समझ आ गया कि हमारा रिश्ता तो आसमानों में बना था, तो तुम मुझ पर एतबार करना छोड़ चुकी। तो समीर, मैं हरीम से कभी शादी नहीं करना चाहता था। पुलिस को उस पर शक था, इसीलिए हमें उसके साथ ये सारा ड्रामा करना पड़ा। और उस दिन जब उस मुजरिम ने आरिफ का नाम लिया, तो मुझे पता नहीं क्या हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आया, और मैंने सारा इंजाम तुम पे डाल दिया। यकीन करो, मुझे कुछ पता नहीं था कि इस सारी साजिश में आरिफ और हरीम मिले हुए। प्लीज एक और मौका दो ताकि मैं तुम्हारा एतबार, तुम्हारी मोहब्बत से जीत सकूं। पहली बार तुम्हें इस घर से रुख्सत करवाने आया था तो सर झुका कर ना खुशी से यहां से ले गया था तुम। एक बार फिर तुम्हें यहां से रुख्सत करवाना चाहता हूं, लेकिन इस बार फखर से, खुशी से और इज्जत से अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूं तुम्हें। सोच कर जवाब देना, सोच कर कि आऊं या फिर नहीं आऊं।
उसने कुछ नहीं किया, उसकी बात पे यकीन क्यों नहीं कर रही? तुम्हें लगता है ये सच बोल रही है? मुझे लग रही है बिल्कुल सच बोल रही है। आज एक काम करो, तुम बेड पे सो जाओ, मैं सोफे पे सो जाऊं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अब मैं इतना भी संगदिल और बेइज्जत नहीं हूं कि रोज रोज तुम्हें सोफे पे सुलाता रहूं और खुद आराम से बेड पे सोता रहूं। इधर आ, क्या कर रही हो? भीग गई हो, सारी बीमार हो जाओगी। मुझसे मोहब्बत नहीं करते, इस बात का जवाब नहीं दे सकते। मैं समझ गई, बारिश अच्छी लगती है, इसका जवाब तो दे सकते हैं ना? मुझे याद नहीं है कि लास्ट टाइम बारिश में कब आया। तुम्हारे हाथ कितने खूबसूरत हैं, मैंने पहले कभी नोटिस भी नहीं किया। ये फूल तुम्हारे हाथ में बहुत जच रहे। मैं चेंज करके आती हूँ। तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो। एक बार फिर तुम्हें यहां से रुखसत करना चाहता हूं, लेकिन इस बार फखर से, खुशी से और इज्जत से अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूं तुम्हें। मुझे तुमसे मोहब्बत है। एक और मौका दो ताकि मैं तुम्हारा एतबार, तुम्हारी मोहब्बत से जीत सकूं। जाग रहे हैं? हाँ जाग रहा हूं, नींद नहीं आती अब। परसों
परसों जुम्मा है। हाँ है तो क्या कर रहे हैं आप जुम्मे की रात को? काम हुआ तो ऑफिस में होऊंगा वरना घर पर। तुम क्यों पूछ रही हो? सोच रही हूँ आपको अपनी जिंदगी को और हमारे रिश्ते को दूसरा मौका दे दूँ। ओके, जुम्मे की रात को आ जाऊंगा तुम्हें लेने। आप आना चाहते हैं? मैं अपने कमरे में रातों में जाग जाग कर आज जा चुका हूं, बुरी तरह थक चुका हूं। मुझसे पूछो तो मैं अभी इसी वक्त में लेने के लिए आना चाहता हूं। ये भी तुम्हारा बैग है? जी। तो कितना सामान लेकर आई हो अपने साथ? जी के अलावा कोई और लफ्ज बोलना नहीं आता तुम्हें? इतनी जगह नहीं है मेरे घर में, मेरी रूम में तुम्हारे सामान के लिए। और बुद्ध बनकर यहाँ क्यों खड़ी हो? जाके इसको साइड पे करो, बैग्स को हटाओ, साइड पे करो। तुम्हें ये बात पता है ना कि मैंने तुमसे शादी अपनी मर्जी से नहीं की। मेरे बाबा ने जबरदस्ती तुमसे शादी करवाई है, फिर तुम इस बेड पे कैसे सो सकती हो? Don't worry, इस बार पहले जैसा कुछ नहीं होगा। Trust me। और अगर हुआ तो क्यों जायजा साथ देना? Yeah.
बेटा तुम फिर लग गए काम में। मैंने तुम्हें मना किया था कि तुमने कोई काम काज नहीं करना, सिर्फ आराम करना है। रहने दे अम्मी, 2 महीने घर पे बैठी हूँ। आज दिल जा रहा था कि खाना बनाऊं, इसलिए बना लिया। यकीन जानो क्या खुशबू आ रही है। और बेटा सच कहूं ना तो तुम नहीं थी ना तो ये घर बिल्कुल उजड़ा उजड़ा सा लगता। तुम आई हो तो ऐसा लगता है कि जिंदगी वापस आ गई इस घर में। ऐसी बात भी नहीं है, आप बस बिला वजह मेरी तारीफ ही करते रहते। इलियास बिल्कुल ठीक कह रहे, बस बेटा हमने ही तुम्हें पहचानने में बहुत गलती की। आप बार बार ऐसी बातें मत किया करें, मैं शर्मिंदा होती हूँ। बेटा फराज का है, उसको पता नहीं है कि खाना लग गया। वो उनको कोई कॉल आ गई थी तो वो कहते 5 मिनट में आता हूँ। चले जब तक आप तो लें ये। बिस्मिल्लाह। क्या हुआ, किसका फोन था? आप लोग खाना खाए, मैं आप लोगों को बाद में बताता हूँ। अब तुमने इतनी बात कर दी है तो अब खाना हलक से उतरेगा कैसे, बताओ अभी। हरीम ने फिर से खुदकुशी करने की कोशिश की है। इस बार हॉस्पिटल तक पहुंच गई। मर गई है या बच गई है? बच गई है, उसके हालात अभी खतरे से बाहर है। पता नहीं इससे क्यों हमारी जान नहीं छूट रही। हर 20-25 दिन में कोई ना कोई नया तमाशा इसकी तरफ से देखने को मिलता है। उसे तुमसे मिलना है समीर। मुझसे? कि मुझसे क्यों मिलना चाहती है? मैं उससे मिलना नहीं चाहती, वो पागल है, कुछ भी कर सकती है। ये बात मैंने डॉक्टर को बताई थी लेकिन वो कह रहे थे कि रोज रोती है, चिल्लाती है, चीखती है कि मुझे उसे मिलना है। अब इस मौजू पर कोई बात नहीं होगी, आराम से खाना खाओ बेटा। चल चल। हाँ हाँ बिल्कुल, ये लो बेटा। थैंक यू समीर, ये लो कबाब। मेरा वाला है ना, वो गलती से तुम्हारा वाला बनके तुम्हारी और मेरी दोनों की जिंदगी का बेड़ा गर्क करने वाला है। मैं बस उसे तुमसे वापस लेने आई हूँ। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मेरे सामने खड़ी होके मेरी बहू पे इल्जाम लगा रही हो? जिस दिन से मैं इस घर में आई हूँ ये उस दिन से मुझे इसी तरह तंग किए जा रही। आज भी देख ले आपके सामने मुझ पे किस किस तरह के इल्जाम लगा रही है, झूठ पे झूठ बोली जा रही है। हरीम ने फिर से खुदकुशी करने की कोशिश की है, इस बार हॉस्पिटल तक पहुंच गई। मर गई है या बच गई है? बच गई है, उसे तुमसे मिलना है समीर। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? एक बार उससे मिलवा दे मुझे। Are you sure? सोच लो। मैं इस मामले में बस आर या पार चाहती हूँ, एक दफा मिल लूँ वरना इसी तरह सबको टॉर्चर करती रहेगी। मैं क्या
भी सो जाओ, जागती मत रहो। गई तुम? मुझे पता था तुम जरूर आओगी, पता था मुझे। क्यों मिलना चाहती थी मुझसे? लश्कारी मार रही हो समीर? अच्छा आ गया समझ, तुमने वो फराज को दोबारा अपने दाम में फंसा लिया ना, है ना? आ गया समझ। इतना गधा है ना वो, इतना गधा है, हर बार तुम्हारी बातों में आ जाता है, बहुत गधा है। मैंने पूछा क्यों मिलना चाहती थी मुझसे? मिलना चाहती थी मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि मैं ये बहुत जल्द यहां से बाहर निकल आऊंगी, बहुत जल्द यहां से बाहर निकल आऊंगी मैं, तुम देखना। तो ये कि तुम देखना मैं वापस आऊंगी और मैं फराज को तुमसे छीन लूंगी। वाकई? हाँ, तो वो मेरा है, तुम देखना वो मेरा होगा एक दिन, उसने कभी ना कभी तो होना था ना मेरा। तुम अपने पागलपन में कितनी जिंदगियां बर्बाद कर चुकी हो, इस बात का अंदाजा है तुम्हें? अंदाजे बंदाजे खुद लगाओ, मुझे नहीं लगाना अंदाजा कोई है, बस वो करूंगी जो मुझे करना है। असलम भाई ख्यालों में नहीं आते, कहते नहीं है तुमसे? आता है कभी कभी वो बेवकूफ मेरे ख्यालों में, मुझे डराने की कोशिश करता है पता है, लेकिन मैं उसे गालियां देके भगा देती हूँ। मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये जेल में कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मेरा तुम भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। देखना मैं बाहर निकलूंगी यहां से, देखना तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। तुम इतना कुछ अपने साथ कर रहे हो, उसके बाद इस लायक नहीं रहोगी कि किसी के साथ कुछ कर सको। बड़ी बड़ी बातें नहीं करो, बड़ी बड़ी बातें नहीं करो मेरे सामने, वापस आऊंगी तुम देखना। मैं सबसे पहले यहां करना, मैं
पर हाथ से मिलूंगी, उसे बताऊंगी कि मैंने उसे कितना चाहा था, उसे पाने की कितनी शिद्दत थी मुझे, उसे मेरा बना था, मेरे लिए बना था, तुमने मुझे नहीं लिया उसको, जी लिया मुझे। तुम देखना, मैं एक ना एक दिन तुमसे जी लूंगी, तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, तुम देखना, मैं आऊंगी, मैं जीन लूंगी। मैं प्रेग्नेंट हूं, मुझे भी ये बात कल रात को पता चली, पर आज को अभी तक नहीं बताया, सोचा सबसे पहले तुम्हें बताऊंगी। अब हम सिर्फ मियां बीवी नहीं रहने वाले, हम फैमिली बनने वाले हैं। फराज मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और मुझे पूरा यकीन है जब वो बाप बनेंगे ना तो अपनी औलाद से भी बहुत मोहब्बत करेंगे। तुम्हें तुम्हारी वहशत, तुम्हारी भूख, तुम्हारी हवस, सब चीजों ने क्या दे दिया हरीम? मुझसे और लोगों से नफरत, इन सारी नफरतों ने तुम्हें खुद सरापा नफरत बना दिया। तुम अपनी मंजिल पर पहुंच गई हो, मेरी दुआ है कि तुम्हें करार आ जाए। खुदा हाफिज़। क्या है गलत क्या सही मैं न जानूं। रुको समीर, समीर रुको, समीर रुको, तुम नहीं बन सकती, समीर रुको, कहाँ जा रही हो, समीर रुको, उसके बच्चे की माँ नहीं बन सकती, बेटा नाम क्या सोचा है? नाम मैंने सोचा है असवन। माशाल्लाह माशाल्लाह, जीती रहो असवन। नसरीन बहुत बहुत मुबारक हो भाई। तुम्हारी जैसी है। और आंखें? आंखें मुझ पे गई हैं। आंखें भी मुझ पे गई हैं। नहीं, नाक तुम पे गई है, नाक मेरी जैसी होती तो आंखें बहुत प्यारी हैं, इसलिए आंखें मुझ पे गई। I love you। हाँ? क्या बोला? बोला I love you। I love you। असवंत।
होल्ड हिम। ओह माय बेबी। देयर वी गो। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया छोड़।